डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, केमिस्ट्री में हम लोग कीटोन के बारे में पढ़ रहे थे। कीटोन से जुड़े संबंधित IUPAC नाम भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कीटोन का IUPAC नाम। फिर हम लोग कल पिछले क्लास में जो पढ़े वो ये कि कीटोन का निर्माण कैसे होता है, तो कीटोन के निर्माण को हम लोगों ने देखा है। तो अभी और भी हम लोगों को कीटोन के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे कीटोन के गुण के बारे में, कीटोन के अभिक्रिया के बारे में, कीटोन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उसका उपयोग क्या है, तो उसके उपयोग के बारे में भी हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम लोग लिखेंगे टॉपिक कीटोन के गुण। कीटोन के गुण ये हम लोग टॉपिक बनाएंगे, कीटोन के गुण। उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे कीटोन के गुण निम्नलिखित है। पहला, कीटोन के गुण निम्नलिखित है। पहला, यह एक रंगहीन द्रव्य है। यह एक रंगहीन, आपको हम पहले बता चुके हैं कि अक्सर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो रंगहीन होते हैं। रंगहीन का मतलब जिसका कोई रंग नहीं होता है, जैसे पानी का कोई रंग नहीं है, वैसे ही अधिकतर कार्बनिक रसायन जो होते हैं ना, वो रंगहीन ही होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखें, यह एक रंगहीन द्रव्य है। दूसरा, इनका क्वथनांक हाइड्रोकार्बन के अपेक्षा अधिक होता है। हाइड्रोकार्बन के अपेक्षा अधिक होता है। तीसरा लिखेंगे, इसका क्वथनांक अल्कोहल से भी कम होता है। इसका क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है। चौथा लिखेंगे, इसमें मीठी गंध होती है, इसलिए इनका उपयोग सुगंध बढ़ाने में होता है। इसलिए इनका उपयोग सुगंध बढ़ाने में होता है। चलिए, अगर हम बात करें इसके गुण का, तो सबसे पहला गुण क्या है कि कीटोन, जैसा कि जानते हैं, ये कार्बनिक रसायन में हम लोगों को पढ़ना है, तो ये रंगहीन होगा। और दूसरा में लिखे हैं कि कीटोन का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उबालना जिसको बोलते हैं, तो इसका जो क्वथनांक होता है वो हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है लेकिन अल्कोहल से कम होता है। अगर कोई पूछेगा कि कीटोन का जो क्वथनांक है किससे अधिक होता है, तो हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है, और किससे कम होता है, तो अल्कोहल से कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्कोहल से कम होता है और हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। फिर अगर नेक्स्ट लिखे होंगे चौथा पॉइंट में कि कीटोन में एक मीठा गंध होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग सुगंध बढ़ाने, यानी कि कोई खाने वाले पदार्थ है उसमें सुगंध को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग कीटोन का। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें मीठी गंध पाई जाती है। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट,
अब लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कीटोन की अभिक्रिया, कीटोन का गुण हो गया, अब लिखेंगे कीटोन के अभिक्रिया, ठीक है। अब जैसा कि जानते हैं अभिक्रिया जैसे ही हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं वहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है कि कीटोन का अभिक्रिया का मतलब एक तरफ कीटोन है और उसका अभिक्रिया में बात करें तो उसके अभिक्रिया में हम लोग किसी और के साथ यानी अलग अलग पदार्थ के साथ यौगिक के साथ हम लोग कीटोन का अभिक्रिया देखते हैं। तो कीटोन की अभिक्रिया बहुत सारी है, उसमें से हम लोग चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट किसके साथ, तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला क्या होता है, NH2OH के साथ, NH2OH के साथ। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो कीटोन का अभिक्रिया में पहला किसके साथ, तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। अब हाइड्रोक्सिल एमीन किसको कहते हैं, तो हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं NH2OH को। तो क्या होगा जब हम लोग कीटोन को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ यानी कि NH2OH के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनता है। अब पहला का जो फर्स्ट एरर है उसको लिखेंगे, जब कीटोन को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो ऑक्सीन का निर्माण होता है। और ऑक्सीन का फार्मूला होता है C से जुड़ा हुआ होना चाहिए R, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ NOH, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीन, याद रखिएगा ये हो गया ऑक्सीन, ऑक्सीन न म नहीं ऑक्सीन न अंत में, ठीक है, ऑक्सीन का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है रिएक्शन में, जरा रूल्स देख लेते हैं। रूल्स ये बोलता है कि कोई भी कीटोन रहे, और कीटोन का मतलब अच्छा यहाँ पे आर होता है, सॉरी ऑक्सीन में दोनों तरफ आर होता है। कीटोन का फार्मूला क्या होता है, सी से दोनों तरफ आर जुड़ा होना चाहिए और कार्बोनिल मूलक ओ, ये हो गया हम लोगों का कीटोन, ठीक है। इस कीटोन को हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोगों को क्या बनेगा, तो इसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा ऑक्सीन RRNOH, ऑक्सीन बन गया। और इसके बाद बाहर क्या होगा, तो बाहर हो जाएगा हम लोगों को हमेशा वाटर, ठीक है। ये रूल्स था, जरा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक कार्बोनिल मूलक है, एक तरफ इधर CH3 CH2 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है। ये हम लोगों का कीटोन है, क्यों, क्योंकि कार्बोनिल मूलक से दोनों आर जुड़ा हुआ है, ये कीटोन है। और इस कीटोन के साथ हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं यानी कि NH2OH, ठीक है। तो हम लोगों को क्या क्या बनेगा, तो सिंपल यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो इस कार्बोनिल मूलक के साथ दो चीज़ जोड़ने वाला है, एक CH3 और CH2, ये हम लोगों को बन रहा है सॉरी NOH, क्योंकि ऑक्सीजन बनाना है ना, तो यहाँ NOH जोड़ते हैं और H2O बाहर निकलता है। तो इस तरीके से हम लोगों को ऑक्सीजन बनता है, कब, जब कीटोन को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है। अब लिखा जाए दूसरा रिएक्शन, दूसरा है सेमी कार्बाजाइड के साथ,
सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है H2N NH CO NH2। ठीक है, ये फार्मूला होता है सेमी कार्बाजाइड के साथ। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो सेमी कार्बाजाइड का फार्मूला क्या होता है? तो H2N NH CO NH2, ये हम लोगों का फार्मूला होता है सेमी कार्बाजाइड। तो अब हम लोग देखेंगे कि कीटोन को, कीटोन हम लोगों को यही रहेगा, जब इस कीटोन को सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट एरो इसके नीचे लिखा जाए, जब कीटोन को, जब कीटोन को सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सेमी कार्बोजोन, ध्यान दीजिएगा क्या बनता है, सेमी कार्बोजोन इसके फार्मूला का बात कर रहे हैं, सेमी कार्बोजोन का फार्मूला का अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है सी से दोनों तरफ आर जुड़ा हुआ होना चाहिए और डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन एच सी ओ एन एच टू। ठीक है, ये हम लोगों को फार्मूला बनता है एन एच सी ओ एन एच टू, ये हम लोगों को क्या है, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो याद रखिएगा सेमी कार्बाजाइड का फार्मूला ये होता है और सेमी कार्बोजोन का फार्मूला ये होता है। हम लोग क्या लिखे अभी कि कोई भी कीटोन रहेगा उसको अगर सेमी कार्बाजाइड के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे रूल्स, पहले लिख लेंगे रूल्स। रूल्स में अगर बात करें तो कीटोन है, ये हम लोगों का कीटोन है, इस कीटोन को हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, इस कीटोन को किसके साथ, तो सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड का मतलब, सेमी कार्बाजाइड का मतलब H2N डैश यानी कि सिंगल बॉन्ड NH CO NH2। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, क्या रिएक्शन करके बनता है, सेमी कार्बाजोन, और सेमी कार्बाजोन का फार्मूला क्या होता है, तो कार्बन से यानी कार्बोनिल मूलक से, एक यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, सॉरी यहाँ एन डबल बॉन्ड एन एन एच सी ओ एन एच टू। ठीक है, ये हम लोगों को बनता है सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बोजोन, सेमी कार्बोजोन, और यहाँ पे वाटर बनता है H2O। ठीक है, तो याद रखिएगा बिल्कुल कि अगर हम लोग कीटोन को सेमी कार्बाजाइड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो सेमी कार्बोजोन और वाटर का निर्माण होता है, जल बनता है। ठीक है, चलिए पहले उसके हम लोग नीचे हम लोग तो लगता है लिखे ना अभी कि कार्बो सेमी कार्बोजाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सेमी कार्बोजोन का अभिक्रिया मिलता है, इसके नीचे रूल्स लिख लेंगे। अच्छा, रूल्स ही तो था ना, ये रूल्स तो हम लोग कर लिए, एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, अगर मान लिया कि कुछ इस तरीके से दिखा CH3, यहाँ पे भी CH3, ये हम लोगों को कीटोन हो गया और इसके साथ
सेमी कार्बाजाइड। फार्मूला सेमी कार्बाजाइड का H2N सिंगल बॉन्ड NHCONH2। रिएक्शन करके क्या बनेगा, तो सेमी कार्बोजोन। अब सेमी कार्बोजोन किसको कहते हैं, तो इस कार्बन से जो CH3 है CH3 है, और बाद बाकी NHN और फिर NHCONH2 और प्लस में वाटर H2। तो यही हम लोगों का सेमी कार्बोजोन है, ठीक है। तो सेमी कार्बोजोन का निर्माण कब होता है, तो याद रखिएगा कीटोन को सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर सेमी कार्बोजोन का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन के साथ, यानी कि अगर हाइड्रोजन के साथ अगर कराएंगे तो क्या बनेगा। तो अब तीसरा लिखेंगे, तीसरा अभिक्रिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग सिंपली अकेले एच नहीं लिखते हैं, H2 लिखते हैं, H2 के साथ, ठीक है, लिखा जाए। जब कीटोन को जब कीटोन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। देख लीजिए इसका रूल्स। अगर मान लिया कि इधर कीटोन है, यहाँ पे भी यार, ये कीटोन हो गया, इसके साथ अगर वाटर का हम लोग रिएक्शन कर सॉरी हाइड्रोजन का रिएक्शन करें तो क्या बनता है, वो दोनों आर तो रहेगा ही रहेगा, सिंपल, एक तरफ हो जाएगा OH और एक तरफ कहीं भी H जुड़ जाएगा। तो अब हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं, ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। क्यों सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा, क्योंकि OH वाला जो कार्बन है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर वाला कार्बन और एक इधर वाला कार्बन, यानी कि OH वाला जो कार्बन होता है वो अगर दो गो कार्बन से जुड़ा रहेगा तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। जरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर मान लिए कि यहाँ कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, ये हम लोगों का कीटोन हो गया, वाटर के साथ रिएक्शन सॉरी वाटर नहीं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, तो इस कार्बन से दोनों जो R जुड़ा है वैसे ही छोड़ दीजिए, CH3 यहाँ पे जुड़ा है CH2 CH3, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ हम लोगों को एक OH जुड़ा हुआ है और एक H। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, क्यों सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, क्योंकि इस OH वाला जो कार्बन है इसके साथ दो गो कार्बन लगा हुआ है, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, इसलिए इसको 2° अल्कोहल भी बोल सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन के साथ कराने पर क्या क्या बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चौथा रिएक्शन देख लेते हैं, चौथा कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CuOH का हॉल 2। दोस्तों इसी को फेहलिंग विलयन भी बोलते हैं, याद रखिएगा फेहलिंग विलयन के नाम से भी जाना जाता है। तो फेहलिंग विलयन कब कहा जाता है, जब कीटोन के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड के का अभिक्रिया कराया जाता है, यानी कीटोन के साथ अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड आया तब हम उसको बोल देते हैं फेहलिंग विलयन। कौन सा विलयन, फेहलिंग विलयन, ठीक है, फेहलिंग विलयन कहा जाता है। कब,
जब कीटोन को कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे एक मिनट, फेहलिंग विलियन। हाँ जी ठीक है, जब कीटोन को कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखा हुआ है CuOH का हॉल टू, CuOH का हॉल टू, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनता है। अच्छा, उसके नीचे सेकेंड एरो भी लिख लेंगे, सेकेंड एरो देकर लिखेंगे इसे फेहलिंग विलयन भी कहा जाता है। इसे फेहलिंग, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फेहलिंग विलयन भी कहा जाता है। ध्यान रहे फेहलिंग विलयन कब कहेंगे, तो फेहलिंग विलयन कहा जाता है जब कीटोन को कॉपर हाइड्रोक्साइड, देख लेते हैं यहाँ पे हम लोगों को जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे एक कीटोन ले लिया, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे हो गया O, ठीक है, इसके साथ CuOH का हॉल टू, यही ना हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो क्या रिएक्शन करके बनेगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या हुआ, ये CH3 CH3 C, यानी कि यहाँ पे तीन कार्बन है, तो यहाँ पे जो हम लोगों को बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है, एक CH3 CH2 CH3 CH2 COOH, ये हम लोगों को देख लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये मूलक होता है COOH, इसको देखकर पता कर सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक मूलक है, तो ये हो गया हम लोगों को कार्बोक्सिलिक मूलक या कार्बोक्सिलिक अम्ल। और फिर क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O और प्लस में वाटर CH2O बैलेंस करके लिखा हुआ है, तो कुल मिलाकर आपको याद रखना चाहिए कि जो हम लोगों को यहाँ पे रिएक्शन के दौरान बनने वाला जो है वो क्या क्या बनता है, जब अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसको, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्यूप्रस ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, चलिए तो ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अब हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है, अब टॉपिक चेंज करेंगे, लिखेंगे अब टॉपिक कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, अब एक नया नाम देख रहे हैं कैनिजारो अभिक्रिया, अब हम लोग देखेंगे कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, तो कैनिजारो अभिक्रिया किसको कहते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लिखा जाए फर्स्ट एरो, जब एल्डिहाइड को, जी हाँ आप डाउट नहीं करें, ये एल्डिहाइड के साथ करने पर कैनिजारो नाम होता है, कीटोन के साथ नहीं, ठीक है, तो लिखेंगे जब एल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला याद होगा
एन ए ओ एच, क्या होता है इसका फार्मूला? एन ए ओ एच, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट फार्मूला होता है CH3, कार्बन से जुड़ा होता है ऑक्सीजन सोडियम, और यहाँ पे ऐसे इसी को नाम है, इसी का नाम है क्या, तो सोडियम फॉर्मेट। ये हो गया हम लोगों का सोडियम फॉर्मेट। का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अब देख पा रहे होंगे कि हम लोग एल्डिहाइड को, यानी कि ध्यान ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड को अगर कैनिजारो अभिक्रिया कराना होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि NaOH के साथ अभिक्रिया कराना होगा, तब हम लोगों को बनता है सोडियम फॉर्मेट। उसके नीचे नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है, कैनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होता है कैनिजारो। तो यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया को, तो यहाँ पे हम लोग लिखें कि एल्डिहाइड, तो एग्जांपल के बेसिस पे एक कार्बन है, कार्बोनिल मूलक है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, ये हो गया एल्डिहाइड। इसके साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का साथ अभिक्रिया करा दें, एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, तो CH3 C और इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और सोडियम, इसी को बोलते हैं हम लोग सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट प्लस CH3OH, जिसको हम लोग मेथिल अल्कोहल बोलते हैं। फिर अगर बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पे कार्बन अलग H2 अलग, यानी कि ये हो गया हम लोगों को सोडियम फॉर्मेट प्लस मेथिल अल्कोहल प्लस कार्बन प्लस हाइड्रोजन। इस तरीके से हम लोग इसी को बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों कैनिजारो अभिक्रिया तक पढ़ें, अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए उतना ही, धन्यवाद।